अस्सलाम वालेकुम, आई एम अजिया जैन, वेलकम टू एस फ्रेंड्स चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम वाइल्ड फायर और अर्बन फायर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाइल्ड फायर से। वाइल्ड फायर का अगर हम नेम की बात करें तो वाइल्ड फायर को हम फॉरेस्ट फायर भी बोलते हैं, बुश फायर भी बोलते हैं और वेजिटेशन फायर भी बोलते हैं। वाइल्ड फायर का ये होता है कि वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड करती है। जैसे वो स्प्रेड करती है उसके रास्ते में वेजिटेशन हो, फॉरेस्ट हो, ग्रास लैंड हो या कोई शर्ब लैंड हो, वो सबको क्या करती है, जला देती है। अगर हम काजेज की बात करें वाइल्ड फायर की काजेज की, तो दो मेन वजहें हैं इसकी। एक जो हुमेंस खुद हैं, जो 90% जो वाइल्ड फायर है उसकी जो काज है वो हुमेन है, हुमन एक्टिविटीज हैं। और जो दूसरी है वो नेचुरली है, वो कंट्रीब्यूट करती है अबाउट 10%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो वाइल्ड फायर को काज। तो पहले बात करते हैं मैन मेड काजेस की। जो सबसे पहले जो काज है वो है अर्थ एंड अर्थ में क्या है कि जब भी कोई फायर डेलिबरेटली जानबूझ के जो आग लगाई जाती है किसी प्रॉपर्टी को, घर को, वो किस कैटेगरी में आती है, अर्थ में। वो लोग जो ये क्राइम कमिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्सनिस्ट। और इसका आर्सन का 30% कंट्रीब्यूशन है टू दी वाइल्ड फायर। उसके बाद है कैंप फायर और आउटडोर बर्निंग। जब भी अनप्लान्ड या प्रॉपरली मैनेज कैंप फायर नहीं होंगी तो वो भी क्या करती है, रोल प्ले करती है वाइल्ड फायर में। और दूसरा, जब हम आउटडोर बर्निंग करते हैं किसी वेस्ट की, डबरेज की, अगर वो भी प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो क्या करेगा, एस्केलेट कर देगा इनटू वाइल्ड फायर इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड। उसके बाद है सिगरेट बैट। डिसाइडिंग लिट सिगरेट्स या फिर जो अदर स्मोकिंग मटेरियल्स हैं, अगर उसे हम बाहर फेंक दें, अगर विंटी कंडीशंस हैं तो फिर भी वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती हैं टू दी वाइल्ड फायर। आगे है पावर लाइंस। पावर लाइंस ऐसे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जब उनकी क्या हो जाए, ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, वो माल फंक्शन करें या फिर वो जो प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हों, तो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इग्नाइट करता है नियर बाय वेजिटेशन। उसके बाद है फायरवर्क्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर फायरवर्क आप किसी ऐसे एरिया में करें जहाँ पे क्या हो, ड्राई वेजिटेशन हो, तो भी वो क्या करेगा, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड फायर। उसके बाद है ह्यूमन नेग्लिजेंस। इसमें डिफरेंट फॉर्म है, जिस तरह कि अगर आपने कोई माचिस की तीली जला के फेंक दी है वो भी, और या फिर अगर कहीं आग लगी और आपने उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया, तो भी वो क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है टू द वाइल्ड फायर। तो ये नेचर कंट्रीब्यूट करता है 10%। ठीक है, उसमें जो नेचुरली वाइल्ड फायर जिससे अक्कर हो सकती है, उसमें फर्स्ट क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग कह सकती है जिसमें स्पेशली हम हॉट लाइटनिंग की बात करें, जो क्या करता है, ज़्यादा देर के लिए रहती है जिसकी वजह से वाइल्ड फायर हो सकती है। जब वो स्ट्राइक करती है और स्पार्क करती है तो प्रोड्यूस करती है फायर। उसके बाद में कुछ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में क्या है कि जब लावा प्रोड्यूस होता है तो भी वो क्या करता है, वाइल्ड फायर काज कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर से कौन से इफेक्ट काज हो सकते हैं, अगर हम इकोलॉजिकल इफेक्ट स्टडी करें तो ये क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज का हो जाएंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो जो जो एनिमल्स या जो इंसेक्ट स्पीशीज है वो क्या होंगी, उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा। और जो हीट होगी हाइट वाइट से, वो डैमेज करेगी वेजिटेशन लेयर को। जब सॉइल है उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर वाली, उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन क्या होता है, काज होता है। और वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो उसकी प्रॉपर कंडीशन होती है वेजिटेशन के लिए, किसी क्रॉप की डेवलपमेंट के लिए या किसी और प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये कि इंटेंस हीट दैट कैन अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। साथ साथ उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को तो ख़त्म करती है, साथ में सॉइल की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसको भी ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है, जो उसको ग्रो करना चाहिए, जिन केमिकल्स की मदद से, वो ग्रो नहीं कर सकते। आगे देखते हैं हम कुछ इन्वायरमेंटल और ह्यूमन एंड कम्युनिटी इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की बात करें कि जब वाइल्ड फायर होती है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज होता है, पार्टिकुलेट मटेरियल इनटू द एयर। जब ये सारे स्मोक और मटेरियल एयर में रिलीज होंगे तो क्या होगा कि एयर पोल्यूशन काज होगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का जो एयर है वो क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब भी वेजिटेशन की कंबक्शन होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड से अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी रिलीज होंगी, तो वो जो हमारा क्लाइमेट है उसको चेंज कर देती है, ग्लोबल वार्मिंग की एक काज ये भी है। ठीक है, उसके बाद है एश एंड डेब्रिस फ्रॉम द वाइल्ड फायर। जो भी एश और डेब्रिस होगा वाइल्ड फायर जब भी होगा, वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करने में। तो इन्वायरमेंटल की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये क्या कॉज करता है वाइल्ड फायर, हमें वाटर पोल्यूशन भी होती है और एयर पोल्यूशन भी, और बहुत सारी जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज, वो भी प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर कौन से इफेक्ट्स आते हैं। तो पहले सबसे पहले वाइल्ड फायर के डिस्ट्रॉय होम। वाइल्ड फायर के एक तो जो मेन काज है ह्यूमन्स के लिए
प्रॉब्लम है वो क्या है कि उनके जो घर है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर घर में आग लग गई तो क्या होगा कि घर पूरा जल जाएगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज वगैरह, तो हमें इससे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। वुमेन की अगर बात करें तो वहाँ पे उनको क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। उसके बाद पूर एयर क्वालिटी, जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है उससे बहुत सारी डिजीजेज भी कर, अगर आपका जो एयर है वो पोल्यूटेड है तो वुमेन्स के लिए क्या इफेक्ट होगा कि उनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काज होंगे। उसके बाद है द रेजिडेंट्स मे बी फोर्स टू एवैक्यूएट देयर होम। जाहिर सी बात है किसी भी जगह पर अगर आग लगी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना घर खाली करना पड़ेगा। तो ये थे इन्वायरमेंटल और ह्यूमन अफेक्ट्स, और देखते हैं कि इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। और अगर अब हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस तरह से हो सकते हैं, अगर किसी जगह पे आग लगी है, वाइल्ड फायर हुआ है, तो उसका क्या होगा कि जो इकोसिस्टम है वहाँ का क्या हो जाएगा, पूरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम खराब हो गया है तो वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत स्ट्रगल करेगी। उसके बाद बहुत सारे जो लैंडस्केप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टर हो जाते हैं। उसके बाद रिड्यूस वेजिटेशन कवर, जो उसका जो भी बताया कि जो सॉइल की ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसकी वजह से एक रिस्क ये भी होता है कि फ्यूचर वाइल्ड फायर भी काज हो सकती हैं। और लॉस ऑफ हैबिटेट और जो इकोसिस्टम में चेंजेस आती हैं उसकी वजह से प्लांट और एनिमल स्पीशीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाती है, अपशिफ्ट हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हम सॉल्यूशंस टू दी वाइल्ड फायर। सॉल्यूशंस में बात करें तो सबसे पहले क्या है, रेज अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वाइल्ड फायर काज हो सकती है। उसके बाद हमें कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि आप इस जगह पे कैंप फायर कर सकते हैं, इस जगह पे कैंप फायर नहीं कर सकते, उन रीजंस में नहीं होनी चाहिए जो क्या हो, प्रोन टू वाइल्ड फायर हो या प्रोन टू फायर हो। उसके बाद ये कि अगर हमने कोई कंट्रोल वेजिटेशन बर्न करनी भी है, उसके लिए क्या एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने जो हमने वेजिटेशन मैनेजमेंट करनी है वो कैसे रीजन पे हो जो कि प्रोन ना हो फायर से, ठीक है, कोई वहाँ पे कोई ड्राई वेजिटेशन ना हो। उसके अलावा क्या है, इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव अर्ली सिस्टम, जो क्या कर सके, हमें प्रोवाइड कर सके, अलर्ट दे सके कि इन कम्युनिटीज को कि ये वही कम्युनिटीज क्या है, रिस्क पे है। और डेवलप करना चाहिए कम्युनिटी वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन प्लान, ठीक है, जब भी हम कम्युनिटी वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन प्लान बनाते हैं तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इसकी प्रिपेयरनेस में, एवोकेशन प्लान में और बहुत सारी कम्युनिटी स्ट्रेटजीज में। उसके बाद जब भी अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो हमें मेक इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ की लोकली रीजनी और जो नेशनल लेवल पे जो फायर फाइटिंग रिसोर्सेज हैं वो सारे टाइम पे पहुंच जाए। अभी हमने पीछे देखा कि वाइल्ड फायर क्या होती है, जो ज़्यादातर हम फॉरेस्ट फायर या वेजिटेशन फायर को बोलते हैं, लेकिन अर्बन फायर की अगर हम बात करें तो अर्बन फायर को हम ज़्यादा रेफर करते हैं जहाँ वो जहाँ पे होती है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, ठीक है, वो किसी शहर में हो सकती है, किसी गाँव में हो सकती है, घर में हो सकती है, इंडस्ट्री लेवल पर हो सकती है या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जो फायर लगती है उसको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, अर्बन फायर में, ठीक है। अब हम कुछ काजेज की बात करते हैं कि अर्बन फायर किस तरह से काज हो सकते हैं। जैसा कि अब हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, अगर किसी बिल्डिंग में फायर ओरिजिनेट हुई है तो उसकी काज क्या हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर फायर हुई है तो वहाँ पे उनकी जो मशीनरी है उसके माल फंक्शनिंग या फेलियर की वजह से भी हो सकता है। और अगर अगर घर में किसी में आग लगी है तो वो तीन वजह से हो सकती है कि केयरलेसनेस स्मोकिंग या फिर केयरलेसनेस कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, ठीक है, इनकी वजह से, या फिर क्या हो सकता है कि बर्निंग ऑफ द कैंडल ऑफ द गैस हीटर, ये वजह है जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री या घर में आग लग सकती है। तो मैं बात की कि कौन कौन सी जो ऐसी काजेज हैं जो अर्बन फायर को क्या करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं या एक्सेलरेट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन की कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, और अगर फायर लग गया किसी बिल्डिंग में तो वहाँ पे उसके एग्जीक्यूट होने के लिए हमें एग्जिट डोर्स यूज करने चाहिए और फायर सेफ्टी और एस्केप रूट सिग्नल्स होने चाहिए एक प्रॉपर, अगर फायर हो गया तो ताकि लोग क्या कर सके, सिग्नल वो देख के उनको पता हो कि हमने इस डोर से क्या करना है, एग्जिट करना है इन द केस ऑफ एमरजेंसी। उसके बाद जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह का हादसा आ गया ताकि वो प्रॉपर टाइम पे आके उसको क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। उसके बाद क्या है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई कंडीशन आ गई है, आग लग गई है, तो उसमें आगे आपको पता हो कि आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स लेनी है और उनको इम्पोर्टेंस बताया जाए अर्ली डिटेक्शन की, कि अगर आपको कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे कोई फायर काज हो सकती है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकें और जल्दी से रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ देखी है तो आप रिपोर्ट करें, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो आप मैनेजमेंट को बताएं
फायर एक्सटिंग्विशर्स को कॉल करें ताकि वो इसको आके हैंडल करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वाइल्ड फायर अर्बन फायर के बारे में पढ़ा। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।